गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। नया चैप्टर है, इसमें हम लोग फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो डीएनए पढ़ेंगे। आप लोग लास्ट चैप्टर में पढ़े थे कि जो कोई भी कैरेक्टर्स जो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं वो कैसे जाते हैं, क्रोमोसोम के थ्रू जाते हैं। तो क्रोमोसोम बेसिकली किस चीज़ का बना होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का। अभी हम इसका डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम डीएनए के बारे में जानते हैं, फिर हम क्रोमोसोम का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे कैसे होता है। तो डीएनए का मतलब आप जानते हैं, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो है क्या चीज डीएनए, डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, ये एक क्या है, पॉलीमर है। किस चीज का पॉलीमर है, लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लियोटाइड। डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लियोटाइड का ये पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब एक के बाद एक कई सारे जो है कि एक के ऊपर एक कोई चीज जुड़ करके अरेंज हो जाए, उसी को हम लोग पॉलीमर कहते हैं। माने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक चेन में जब जुड़ जाते हैं तब उसको हम लोग पॉलीमर कहते हैं। एक लंबी चेन बना लेते हैं, लंबा स्ट्रक्चर, बड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसको हम लोग पॉलीमर कहते हैं। आपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि पॉलीमर कौन कौन से होते हैं, प्रोटीन के बारे में पढ़ा था कि एमिनो एसिड का पॉलीमर है, और स्टार्च कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज या फ्रक्टोज का पॉलीमर है। इस तरह से फैट के बारे में आपने पढ़ा था कि वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का पॉलीमर है। इस तरह से जितने भी बायो मॉलिक्यूल्स हैं वो सब एक पॉलीमर है। तो डीएनए भी एक बायो मॉलिक्यूल है और ये पॉलीमर है। किस चीज का पॉलीमर है, ये डीऑक्सी रिबोन्यूक्लियोटाइड। इसी का हम डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जो इसकी लेंथ होती है डीएनए, ये देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, और इसमें जो इसकी लेंथ होती है वो, चूंकि ये पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का, तो न्यूक्लियोटाइड्स के जितने भी नंबर होंगे, जितना ज्यादा नंबर होगा उतना ज्यादा इनकी लेंथ होगी, ठीक है। और इसमें से जो एक बेस पेयर होगा, एक पेयर होगा, एक न्यूक्लियोटाइड का पेयर होता है, ये हमेशा पेयर में होते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस पेयर बोलेंगे, क्योंकि उसमें नाइट्रोजनस बेस होता है। अभी इसको आगे समझते हैं कि क्यों बेस पेयर बोलते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेंगे जो बैक्टीरियोफेज होता है उसमें, उसके डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 5386। बैक्टीरियोफेज क्या नाम है, 5 × 174। इस बैक्टीरियोफेज में जो डीएनए होता है या जो मॉलिक्यूल होता है, डीएनए का पूरा पॉलीमर होता है, उसमें जो न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयर हैं वो कितने हैं, 5386। और दूसरा बैक्टीरियोफेज लैम्डा है जिसमें 48502, इतने बेस पेयर होते हैं। इकोलाई में इतने होते हैं, 4.6 × 10^6 बेस पेयर। और हैप्लॉइड ह्यूमन डीएनए में अगर हम देखें तो 3.3 × 10^9 बेस पेयर होते हैं हैप्लॉइड ह्यूमन डीएनए। हैप्लॉइड ह्यूमन डीएनए का मतलब अगर गैमीट में हम देखें तो, ठीक है, तो गैमीट के अंदर इतने बेस पेयर होते हैं। किसके बेस पेयर होते हैं, कि कहां बेस पेयर होते हैं, डीएनए के अंदर, डीएनए के अंदर जो बेस पेयर होते हैं उनके नंबर इतने होते हैं। और बेस पेयर बेसिकली क्या चीज है, वो न्यूक्लियोटाइड, एक बेस पेयर मतलब एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, और इसी तरह एक के ऊपर एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ करके पॉलीमर बना लेते हैं, ठीक है। तो बेस पेयर के नंबर से हम न्यूक्लियोटाइड पता कर सकते हैं कितने न्यूक्लियोटाइड हैं। तो हम थोड़ा सा इसका डिटेल में जाते हैं, ये आपको क्लियर हो जाएगा कि बेस पेयर का क्या मतलब है। तो न्यूक्लियोटाइड एक यूनिट हो गई, एक मोनोमर हो गया उसका, और वही कई सारे जुड़ गए, एक पॉलीमर बनाते हैं जो कि डीएनए है। तो हम कह सकते हैं डीएनए के पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड, अब जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये डीएनए का एक पॉलीमर है। अब डीएनए के पॉलीमर में एक चेन ये है डीएनए की, एक चेन ये है, ये दो हेलिक्स होते हैं उसमें, दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। यहां आप नीचे स्ट्रक्चर देखिए, यहां पे एक हेलिक्स ये है और एक हेलिक्स ये है, दोनों आपस में अटैच्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक चेन पूरी हो गई, ये भी एक पूरी चेन हो गई, फिर आपस में ये हाइड्रोजन बांध से आपस में अटैच है। तो ये जो आप एक यूनिट देख रहे हैं यहां से यहां तक, ये पूरा ये क्या है, एक ये न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड ये है, एक न्यूक्लियोटाइड ये है, एक न्यूक्लियोटाइड ये है, और ये सब आपस में कनेक्टेड है, कनेक्ट होकर एक पॉलीमर बनाते हैं। दूसरी चेन जो है वो ये है, यहाँ पे एक पॉलीमर ये है, एक पॉलीमर ये है, एक पॉलीमर ये है, एक पॉलीमर, इस तरह से ये सब आपस में जुड़ करके एक चेन ये हो गई, एक चेन ये हो गई, एक पॉलीमर ये हो गया, एक पॉलीमर, फिर ये दोनों पॉलीमर आपस में, दोनों चेन आपस में जुड़ करके
दोनों हेलिक्स आपस में जुड़ करके पूरा डीएनए बनाते हैं, तो ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो डीएनए क्या है, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब डीएनए का हम जैसा कि हम बात कर रहे थे कि इसमें बेस क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। तो इसमें जो कंपोनेंट्स होता है, सबसे मेन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये चीज, ये क्या है, ये पेंटोज शुगर होती है, पेंटोज शुगर है। इसके बाद इसमें यहाँ पे ये पेंटोज शुगर का पूरा स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पे ये फास्फेट ग्रुप है, और ये जो है ये नाइट्रोजनस बेस है, ये सब नाइट्रोजनस बेस है। ये जितना आप ग्रीन से देख रहे हैं ये सब नाइट्रोजनस बेस है, और बीच में ये जो पेंटागोनल स्ट्रक्चर है ये शुगर या पेंटोज शुगर जिसको हम लोग बोलते हैं। अब ये शुगर भी, इसमें जो शुगर होती है वो कैसी होती है, डी ऑक्सी रिबोज शुगर होती है, जबकि आरएनए में जो शुगर होती है वो सिर्फ राइबोज शुगर होती है, वो डी ऑक्सी नहीं होता, माने उसमें इसमें एक ऑक्सीजन आरएनए के मुकाबले कम होता है इस शुगर के अंदर, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डी ऑक्सी रिबोज। डी ऑक्सी का मतलब एक ऑक्सीजन कम है इन रिस्पेक्ट टू राइबोज शुगर। तो ये हो गया शुगर के बारे में, और शुगर के साथ साथ इसमें क्या चीज है, ये फास्फेट ग्रुप आप देख रहे हैं जो कि फास्फोरिक एसिड से बना होता है, फास्फेट ग्रुप है। तो ये आपका पेंटोज शुगर और ये फास्फोरिक एसिड या फास्फेट ग्रुप, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये बैकबोन बनाते हैं। आप देख रहे हैं जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, तो ये पूरा एक बोन की तरह, बैकबोन की तरह पूरा यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है, एक से ये लिंक फिर ये लिंक फिर ये लिंक फिर ये लिंक, इसी तरह इधर भी है। तो ये बैकबोन बनाते हैं, किसका बैकबोन बनाते हैं, डीएनए का बैकबोन बनाते हैं, ठीक है। और अब इसके बाद इसमें अंदर की तरफ ये आपका पेंटोज शुगर हो गया, ये फास्फेट ग्रुप हो गया, ये दोनों मिलकर के एक स्ट्रक्चर बना लिए जो कि जिसको कि हम लोग बैकबोन बोलते हैं, और इसी से एक तरफ अंदर की तरफ इसमें नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजनस बेस इसमें फोर टाइप्स के होते हैं, एडिनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन, ये फोर टाइप के इसमें नाइट्रोजनस बेस है, ये अंदर की तरफ इसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है। और अंदर की तरफ जुड़ने के बाद ये एक हेलिक्स पूरी ये हो गई आपकी, एक हेलिक्स ये है, ये दोनों आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये आप जो इसे डैश डैश देख रहे हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड किनके किनके बीच बनता है, एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, इस तरह से डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो आपने देखा कि ये जो शुगर से ये नाइट्रोजनस बेस जो जुड़ा हुआ है, तो इनके बीच का जो बॉन्ड होता है इसको हम लोग बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इनको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये आप देख रहे हैं ये पेंटोज शुगर या ये बैकबोन से जो नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है हमारा, ये कौन सा बॉन्ड है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो एक तरफ शुगर जो है जुड़ी है नाइट्रोजनस बेस से, एक तरफ जुड़ी है फास्फेट ग्रुप से। तो जो नाइट्रोजनस बेस से जुड़ी हुई है उस बॉन्ड को या उस लिंकेज को हम लोग बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और इधर ये फास्फेट ग्रुप से जुड़ा हुआ है। और डिटेल में जाते हैं इसके हम लोग कि फास्फेट ग्रुप में जो जुड़ा होता है वो किस तरह से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजनस, अब इससे पहले कि हम लोग डिटेल में और जाएं, पहले ये जान लें कि जो नाइट्रोजनस बेस है वो किस किस टाइप का होता है। तो हमने जैसा बताया आपको कि एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, और इसके अलावा साइटोसिन और थायमिन होते हैं। तो इसमें से जो आपके प्यूरिन, दो ग्रुप होता है इसमें नाइट्रोजन बेस का, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। तो प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन आते हैं, जबकि पिरिमिडिन में साइटोसिन और थायमिन आते हैं। ये जो आपका एडेनिन और ग्वानिन, ये आपका क्या है, प्यूरिन है, और थायमिन और साइटोसिन ये आपका पिरिमिडिन है। तो प्यूरिन और एक प्यूरिन दूसरे पिरिमिडिन से जुड़ा होता है, कभी प्यूरिन प्यूरिन आपस में नहीं जुड़े होते हैं, एक पिरिमिडिन एक प्यूरिन से बॉन्ड बनाता है, चाहे वो एडेनिन हो या फिर ग्वानिन हो। एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ बनाता है बॉन्ड, डबल बॉन्ड, जबकि ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ बनाता है बॉन्ड। डीएनए के बाद अगर हम आरएनए की बात करें तो उसमें जो साइटोसिन है उसकी जगह पे, सॉरी थायमिन जो है थायमिन की जगह पे उसमें यूरेसिल होता है। यहाँ पे अगर हम आरएनए की बात करें तो थायमिन नहीं होता, उसमें क्या होता है, यूरेसिल होता है। तो इस तरह से ये हमने देखा कि ये एक डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, हम देखा कि कैसे कौन कौन से उसमें मालिक्यूल्स होते हैं, कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बना है। तो आपने यहाँ पे क्लियर समझ लिया कि जो आपका इसमें तीन पार्ट हो गए, पहला जो हो गया आपका पेंटोज शुगर, दूसरा हो गया इसमें फास्फेट ग्रुप, और तीसरा हो गया इसमें नाइट्रोजनस बेस।
अब एक चीज और है कि नाइट्रोजनस बेस ये जो बीच वाला पोर्शन है और ये सुगर वाला पोर्शन, इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, और जब इसमें फास्फेट ग्रुप अटैच हो सकता है तब इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो ये आप याद रखिएगा कि किसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं और कब उसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। न्यूक्लियोसाइड छोटा मॉलिक्यूल है, न्यूक्लियोटाइड बड़ा मॉलिक्यूल है। तो न्यूक्लियोसाइड मीन्स सुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोटाइड में फास्फेट ग्रुप और जुड़ गया। तो इस तरह से आपने देखा ये पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से होता है। इसके बाद जो ये दो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जैसे एक न्यूक्लियोटाइड ये है, एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, ठीक है, तो एक ये एक यूनिट हो गई, ये एक मोनोमर हो गया और ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, जुड़ करके एक पूरी चेन बनाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डीएनए और आरएनए के जो शुगर में हमने अंतर बताया था वो कैसे होता है, क्या होता है। तो ये एक राइबोज शुगर, यानी आरएनए में जो शुगर होती है उसका स्ट्रक्चर है। इसमें हम देखते हैं कि ये जो आप यहाँ पे OH ग्रुप देख रहे हैं इसमें एक ऑक्सीजन है, तो डीएनए में या डीऑक्सीराइबोज में यहाँ पे O हट जाएगा, यहाँ से यहाँ पे O नहीं होगा, यानी ये आप सिर्फ यहाँ पे H आएगा, ये O यहाँ से रिप्लेस हो जाता है, जबकि आरएनए में ये पूरा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। तो इसीलिए ऑक्सीजन न होने की वजह से उसको हम लोग डीऑक्सीराइबोज कहते हैं, जो कि डीएनए में होता है, और जब ये प्रेजेंट होगा तो सिर्फ इसको राइबोज बोलेंगे। तो ये जो शुगर में अंतर है डीएनए में और आरएनए में वो इस तरह से होता है। बाकी नाइट्रोजनस बेस का अंतर आपने जान ही लिया है कि आरएनए में जो होता है यूरेसिल होता है, जबकि डीएनए में थायमिन होता है। तो दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़े होते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड ये है, एक न्यूक्लियोटाइड ये है, तो कैसे ये आपस में जुड़ करके पॉलीमर बनाते हैं। ये जो फास्फेट ग्रुप है ये 3-5 फास्फोडाईस्टर लिंक बनाता है, लिंकेज बनाता है, जो कि जिससे कि ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे आप, डाई न्यूक्लियोटाइड। तो ये फास्फेट ग्रुप है, इधर भी जुड़ा हुआ है, इधर भी जुड़ा हुआ है, इधर ये 5 कार्बन से जुड़ा है, इधर ये 3 कार्बन से जुड़ा है। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें अगर कार्बन की पोजीशन देखें तो हम लोग कैसे काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 कार्बन इससे इस पेंटागन से बाहर है। तो ये 5 कार्बन से एक फास्फेट ग्रुप इधर जुड़ा है और आगे वाले के 3 कार्बन से जुड़ा है। ये जो कार्बन है यहाँ पे ये 3 कार्बन है, ये 4 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, ये 1 कार्बन है, ये 5 कार्बन है। तो ये एक तरफ आप देख रहे हैं ये 5 कार्बन से जुड़ा है और दूसरी तरफ ये 3 कार्बन से जुड़ा है, इसीलिए इसका नाम क्या है, 3-5-डाईफास्फोएस्टर लिंकेज, क्योंकि ये कार्बन की पोजीशन के हिसाब से है। इसके बाद इसमें हम देखते हैं कि इस पूरी चेन को अगर हम आगे लास्ट में देखते हैं यहाँ पे, तो इसमें क्या है, आगे की तरफ फ्री फास्फेट ग्रुप है, यहाँ पे आगे फ्री फास्फेट माइटी है, इसका मतलब ये जो इंड है ये 5-इंड है, और जो 3-इंड है इसमें, 3-इंड में ये जो आप इधर की तरफ देख रहे हैं ओपन पोर्शन देख रहे हैं, ये फ्री पार्ट क्या है इसका, OH ग्रुप है। तो जिस तरफ OH ग्रुप फ्री फॉर्म में होता है उसको हम लोग 3-इंड बोलते हैं, और जिस तरफ फास्फेट ग्रुप होता है फ्री फॉर्म में तो उसको हम लोग बोलते हैं 5-इंड। आप याद रखिएगा 3-इंड और 5-इंड कैसे डिसाइड किया जाता है, तो फास्फेट ग्रुप एट 5-इंड एंड OH ग्रुप एट 3-इंड। तो इस तरह से नीचे वाले में आप देखेंगे इसी का अपोजिट होता है, देखिए इसमें इधर 5- है, इधर 3- है, यानी एक चेन ऐसे होती है तो दूसरी चेन ऐसे होती है, और आपस में ये दोनों फिर हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक्ड है। तो इस तरह से जो चेन होती है हमेशा अपोजिट चेन होती है, एक इस तरफ को जा रही है तो एक दूसरी तरफ इधर से आ रही है, और ये दोनों मिलकर के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब हम थोड़ा सा डीएनए के मेन फीचर कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। तो ये डीएनए जैसा कि हम बात कर रहे थे मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, है ना, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये हो गई, एक ये हो गई। दूसरी चीज जो बैकबोन है वो सुगर और फास्फेट की बनी होती है, ये जो आप पूरा देख रहे हैं ये बैकबोन है और इसमें अंदर की तरफ नाइट्रोजनस बेस जुड़े हैं। ये दोनों चेंज होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं, एंटी पैरेलल का मतलब हमने बताया कि एक 5-3 ऐसे हो गया और दूसरे वाले में 5-3 ऐसे हो गया, यानी एक में अगर हम 5-3 देखें तो ये इस तरह से होता है इस तरफ को, और दूसरे में 5-3 इस तरफ को है। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गया, अगर हम 5-3 देखें तो क्या होगा, ये एंटी पैरेलल होगा, ठीक है। इसके बाद द बेस पेयर इन टू स्ट्रेंथ आर पेयर्ड बाय एच बॉन्ड, तो हमने बताया कि एडिनिन से थायमिन और ग्वानिन से साइटोसिन कैसे जुड़ा है हाइड्रोजन बॉन्ड से,
और एडेनिन थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इस तरह से इस बेस पेयर से क्या फायदा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जो जुड़े हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ने की वजह से इनके बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन रहती है, दोनों आपस में कोलैप्स नहीं करने पाते, एक निश्चित डिस्टेंस बन जाती है, स्पेसिफिक डिस्टेंस हो जाती है। तो इस तरह से इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसके बाद जो चेन्स होती हैं वो राइट हैंडेड फैशन में टर्न होती हैं। जैसे एक ऐसे चेन है तो ये चेन ऐसे सीधी नहीं होती, ये ऐसे ट्विस्टेड होती है, जैसे कि हम कोई ऐसी चेन लें और उसको ट्विस्ट कर दें, ये तो ट्विस्ट करने पे या तो हम लेफ्ट साइड करेंगे या तो राइट साइड टर्न करेंगे, तो ये राइट साइड को टर्न होती है, ऐसे सीधा ना होने की वजह ऐसे ट्विस्टेड होती है। जैसे दो धागों को आप ले लीजिए साथ में और उनको आप ऐंठ दीजिए, तो वही चीज होता है डीएनए में कि ये सीधा सीधा दो चेन ना होकर के ऐसे ऐठा हुआ सा रहता है, ट्विस्टेड होता है। तो इस तरह से ये आपका एक पोजीशन हो जाती है। इसके अलावा जो आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में ये जो एक पिच मिल रहा है यहाँ पे, जब ट्विस्ट होगा तो पिच बनेगा, तो एक पिच से दूसरे पिच अगर एक किसी साइड में हम इनका डिस्टेंस चेक करें तो ये कितना आएगा, 3.4 नैनोमीटर, यानी यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ होगी वो कैसी होगी, 3.4 नैनोमीटर डिस्टेंस होगी। और इस 3.4 नैनोमीटर में ये जो बेस पेयर होंगे ये कितने होंगे, 10 होंगे। अभी इसमें फिगर में 10 नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यहां से यहां तक जो बेस पेयर होंगे एक्चुअली वो कितने होंगे, 10 होंगे। तो यानी हम कह सकते हैं कि एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, इन दोनों के बीच में अगर हम डिस्टेंस देखें तो क्या हो जाएगा, 0.34 नैनोमीटर। पूरा यहां से यहां तक 3.4 नैनोमीटर है, जबकि एक हम ये दोनों अगर ले लें तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 0.34 नैनोमीटर होगा दो बेस पेयर के बीच में, ठीक है। इस तरह से और ये एक के ऊपर एक ऐसे जुड़ते हुए चले जाते हैं, तो ये इस तरह से जुड़ने की वजह से इनको एक स्टेबिलिटी मिल जाती है, ट्विस्टेड भी हो गए और एक के ऊपर एक अरेंज भी हो गए, तो ये एक डीएनए का पूरा स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है। और बाकी हमने 3' और 5' आपको बता ही दिया कि किस तरफ से कैसे हम डिसाइड करते हैं कि वो 3' है और कैसे डिसाइड करते हैं वो कि वो 5' है। एक्चुअली 3' और 5' डिसाइड होता है कार्बन की पोजीशन के हिसाब से, जो कार्बन की हम नंबरिंग करते हैं स्ट्रक्चर में उसके हिसाब से 3' और 5' डिसाइड होता है, क्योंकि 5' पे जो कार्बन यहाँ बाहर की तरफ देख रहे हैं ये 5 कार्बन है और 3' में आप देखिए ये 3rd कार्बन है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आपने डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर समझ लिया है। 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने सबसे पहले डीएनए को एज ए एसिडिक सब्सटेंस न्यूक्लियस में आइडेंटिफाई किया था, लेकिन उन्होंने इसका नाम न्यूक्लियन दिया था। तो और चूंकि एक डीएनए जो है एक लॉन्ग पॉलीमर है, तो लॉन्ग पॉलीमर होने की वजह से इसको बहुत लंबे समय तक आइसोलेट नहीं किया जा सका था। इसके बाद 1953 में जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा, जो कि मॉरिस विल्किंस और रोजलैंड फ्लैंकलिन के द्वारा दिया गया था, कलेक्ट किया गया था, उसको बेस बना करके एक मॉडल दिया जिसको कि डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं। डबल हेलिक्स मॉडल में जो मेन बेस था इनका, जो मेन हॉलमार्क था कि कैसे उन्होंने ये मॉडल दिया, तो उसमें दो चीजें थी, एक तो जो डीएनए के अंदर बेस की पेयरिंग होती है उसको बेसिस बनाया इन्होंने, दूसरा इरविन चारगाप ने एक रूल दिया था कि एक अपना ऑब्जर्वेशन किया था कि जितने भी डीएनए के अंदर एडेनिन होते हैं वो थायमिन के बराबर होते हैं, यानी एडेनिन और थायमिन के बीच का जो रेशियो होता है वो इक्वल टू 1 होता है, और उसी तरह से ग्वानिन और साइटोसिन भी इक्वल होते हैं, यानी उनके बीच का जो रेशियो होता है वो इक्वल टू 1 होता है और ये कॉन्स्टेंट होता है, यानी रेशियो कभी चेंज नहीं होता, अगर रेशियो चेंज होगा तो डीएनए में डिफॉर्मिटी आ सकती है। तो इस चारगाफ के रूल को बेसिस बना करके और ये बेसिस बना करके कि बेस पेयर का फॉर्मेशन होता है नाइट्रोजनस बेस के बीच में, तो बेस पेयरिंग यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसको बेसिस बना करके वाटसन एंड क्रिक ने अपना डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज किया था। और जो ये पेयरिंग होती है, ये पेयरिंग ही ये बताती है कि ये डीएनए का जो मॉडल है वो डबल हेलिक्स है, और जो डीएनए का हेलिक्स होता है वो एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होता है। कंप्लीमेंट्री का होने का मतलब कि ये निश्चित होता है कि अगर हमें एक स्ट्रैंड के बारे में
बेस पेयर के बारे में जानकारी हो तो हम दूसरे बेस पेयर के बारे में बता सकते हैं कि उसमें बेस पेयर का क्या सीक्वेंस होगा। तो इस तरह से पहला जो एक स्ट्रैंड होता है वो दूसरे स्ट्रैंड के लिए टेम्पलेट का काम करता है। तो इस तरह से डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल आपने समझ लिया होगा।